दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल होने वाली है, लेकिन आज उससे पहले जेडीयू मुख्यालय पर यहां पर पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण पोस्टर जो जेडीयू मुख्यालय दिल्ली में मौजूद है वहां ये लगा हुआ है, और आप देखिए कि किस तरीके से इस पोस्टर में नीतीश कुमार की एक बड़ी तस्वीर बनी हुई है, जिसमें साफ तरीके से लिखा है कि प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। ये पोस्टर जो है काफी इस ओर ध्यान दिलाता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही इस गठबंधन को लेकर के बड़े कदम उठाए थे, और उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, वन सीट वन कैंडिडेट का फार्मूला जो उन्होंने तैयार किया था वो अगर आगे चलेगा तो काफी बेहतर प्रदर्शन 2024 के चुनाव में होंगे। इसी वजह से यहां ये पोस्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। ये दिखाने की कोशिश है कि देश का भी नेतृत्व करने की क्षमता नीतीश कुमार के अंदर है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें अलग अलग नामों को लेकर के, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के चर्चा समय समय पर होती रही है। मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम इस बीच जब बैठक हुई उसमें भी सामने आया। इससे पहले अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी नाम सामने आता रहा है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के, लेकिन आज जो बैठक है यहां पर जेडीयू के नेताओं की उससे पहले ये पोस्टर जो है वो काफी आकर्षित कर रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। इस तरीके की बात इस पोस्टर में लिखी गई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार इंडिया ब्लॉक गठबंधन को लेकर के वो मीटिंग में ये कहते आए हैं कि अगर ये गठबंधन बेहतर तरीके से काम करेगा तो 2024 में चुनाव परिणाम अलग तरीके के होंगे। नीतीश कुमार की तरफ से इस तरीके की बातें समय समय पर कही जाती रही, लेकिन अभी तक ना तो उनको संयोजक बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के उनकी चर्चा हुई। हालांकि उनकी पार्टी और उनके नेताओं की तरफ से जो पोस्टर पटना में भी लगाए गए थे उन पोस्टर में भी नीतीश कुमार का नाम जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, और उनकी तरफ से कई बार इस बात को लेकर के चर्चाएं हुई। बीजेपी के नेताओं ने इसमें कई बार चुटकी भी लिया कि प्रधानमंत्री पद एक ही है, उनकी तरफ से कहा गया कि एक अनार और 100 बीमार, इस तरीके की बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से समय समय पर कहा जाता रहा। लेकिन आज का ये पोस्टर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक शाम को होगी, और उस बैठक में तमाम चीजों को लेकर के जेडीयू में जो ललन सिंह के मुद्दे को लेकर के चर्चा चल रही है उस पर भी कदम बढ़ाया जाएगा, और भी कई निर्णय होंगे। अब देखना है कि इस बैठक के बाद क्या होता है, लेकिन आज ये पोस्टर काफी लोगों को यहां पर आकर्षित कर रहा है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।